सनातन धर्म में विभिन्न प्रयोग हुए, उन्हीं प्रयोगों में जब एक द्वैत अद्वैत को लेकर के प्रयोग होता है तो गुरु गोरखनाथ का जन्म होता है। आज उन्हीं गुरु गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में मौजूद हूँ। साहित्य में अभिनव प्रयोग होते हैं तो फिराक गोरखपुरी पैदा होते हैं और तमाम सारी विविधाएँ आती हैं, उसको भी गोरखपुर कभी मस्तिष्क ज्वर के रूप में देखता है तो कभी खेती किसानी में बाढ़ और सूखे की मार भी झेलता है। बहुत सारी विडम्बनाएं गोरखपुर के साथ जुड़ी रही हैं। जिले के रूप में इसका विस्तार इतना अधिक था कि तोड़ करके कई जिले बने, लेकिन देखते हैं इससे पहले अपनी एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया में मशहूर गोरखनाथ मंदिर और गीता प्रेस के शहर के तौर पर मशहूर गोरखपुर सियासी तौर पर भी अपनी इन दो पहचानों से बहुत अलग नहीं रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली के तौर पर मशहूर गोरखपुर कई दशकों से बीजेपी का गढ़ रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को गोरखपुर में अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। गोरखपुर से बीजेपी ने इस बार फिर मौजूदा सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने गोरखपुर के ही रहने वाले जावेद सिमनानी पर अपना भरोसा जताया है। योगी आदित्यनाथ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली थी, लेकिन 2019 में बीजेपी ने उसे फिर से हासिल कर लिया। इसके अलावा पिछले करीब चार दशक में चुनाव में गोरखपुर ने हर बार बीजेपी को ही चुना है। आजादी के बाद गोरखपुर में लोकसभा के कुल 19 चुनाव और उपचुनाव हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 8 बार बीजेपी ने चुनाव जीता है। कांग्रेस ने आजादी के बाद शुरुआत में जीत दर्ज और कुल मिलाकर उसके हिस्से में जीत है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक बार दिग्विजय सिंह और एक बार महंत अवैद्यनाथ ने जीत दर्ज की है। महंत अवैद्यनाथ ने एक बार हिंदू महासभा के टिकट पर भी चुनाव जीता है, जबकि 1977 में जनता पार्टी को एक बार सफलता मिली और 2018 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। गोरखपुर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय मानी जाती है, क्योंकि यहां के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर गोरखनाथ मठ का गहरा प्रभाव है और ये प्रभाव जाति धर्म और संप्रदाय के परे है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का काफी विकास भी हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता को बीजेपी के साथ ही माना जाता है। हालांकि चुनाव में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जाता, लेकिन गोरखपुर के विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ बीजेपी का प्रभाव साफ दिखता है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत कुल 5 विधानसभाएं आती हैं और सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। गोरखपुर में 7वें और आखिरी चरण में मतदान होगा। मुकाबला एक भोजपुरी सुपरस्टार और एक भोजपुरी एक्ट्रेस के बीच है। अब देखना यह है कि गोरखपुर की जनता एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताएगी या फिर नए चेहरे को देगी मौका। गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कहा जाए तो एक अजेय दुर्ग के समान है और इस अजेय दुर्ग पर हमेशा विपक्ष सेंध लगाने की कोशिश करता रहा है। जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ गोरखपुर के तमाम सारे आवाम जो है इकट्ठा है, जो हमें बताएगी अपने विचारों से कितने बीते 10 सालों में उसने प्रगति पाई, कितना उसका उत्थान हुआ और कितना उसको और चाहिए था। बात हम महिला से ही शुरू करते हैं और बात महिला सुरक्षा से शुरू करते हैं। जी, आपने तो सबसे पहले दैत्य और अदैत्य की बात कर दी। ये तो अध्यात्म के चरम सीमा पे चले गए, क्योंकि जब दैत्य और अदैत्य एक हो जाएगा तो फिर हमारे बीच कोई झगड़ा ही नहीं होगा। जिस झगड़े में हम फंसे हुए हैं कि ये पार्टी वो पार्टी, जब हम मानवता पे आ जाएंगे तो हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया इसकी बात करेंगे। और महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ये सबसे मुक्त कर देंगे भारत को। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सिर पे पूंजीपतियों की झोली भरते जा रहे हैं और हमारे गरीब समाज का शोषण करते जा रहे हैं। और देखिए कैसे समाज में पर्चा लीक हो रहा है, बच्चों के शिक्षा पे कितना परेशानी हो रहा है, बच्चे कितना परिश्रम से जाके पढ़ाई कर रहे हैं और उन लोग डर से आत्महत्या भी कर ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पेपर लीक आउट करने में भी जरा भी संकोच नहीं है। योगी और मोदी जी की सरकार है 10 सालों से यहाँ पे, और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये बात करते हैं, लेकिन 17 किलोमीटर कालेसर से जंगल कौड़िया बाढ़ से प्रभावित जो है धान के फसल हर साल डूब जा रहा है और हर साल ये वादा करते हैं कि रेगुलेटर लगाएंगे, लेकिन रेगुलेटर के नाम पे सिर्फ ठगी हो रही है और वहाँ पे रेगुलेटर नहीं लग रहा, जिससे किसानों के जो धान है फसल है सब डूब जा रहे हैं। खाद बीज के
दाम बहुत ही बढ़ गए हैं, तो यही हम चाहते हैं कि भाई उसका निदान हो जी। 2014 से लेकर के अब तक 2024 तक में, 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी और जनता ने जो है जो चुनाव हुआ, जनता ने जो है सरकार को नकारा और नई सरकार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वजूद में आए, तो यही सोच करके जो जनता ने उनको चुना था कि हमारी बुनियादी जो सवाल हैं, जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे चिकित्सा का मसला हो, सुरक्षा का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, बेरोज़गारी का हो, जो नौजवान पढ़ लिख करके जो है घूम रहे हैं उनका मसला हो, ये तमाम चीज़ों के ऊपर, तमाम मुद्दे ऊपर, महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है, किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, किसान अगर जो है आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन कागज़ों में ज़रूर रहता था कि हम जो हैं प्रदेश मुक्त समाज बना रहे हैं, भारत देश पर जो है समाज बना रहे हैं, अपराध मुक्त समाज बना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों के अंदर था। मेरा मानना ये कि जो बुनियादी चीज़ें हैं जनता की जो है उन सवालों पर जो है ये 2024 का चुनाव जो है इस वक्त जो चल रहा है इसमें जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। आज जो है अपने मुद्दों को जो ढूंढ रही है, अपने मुद्दों पर जो है आज जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो आज चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ साथ जो है जनता भी जो है अपने बुनियादी सवालों को लेकर के जो है वो चुनाव मैदान में। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, बुनियादी सवालों का हल होना ज़रूरी है, और जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन आपका गोरखपुर में ही खड़ा है, लेकिन ये राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, उस पर आपका? नेशनल मुद्दे तो बिल्कुल होते हैं, नेशनल मुद्दे तो ऐसे नहीं कि नेशनल मुद्दे को अवॉइड किया जा सकता है, नेशनल मुद्दे देखिए उसके अंदर जो है यहाँ के भी अपने मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे तमाम मुद्दे हैं, हर मुद्दों पे जो है ये सरकार फेल है। सर मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। मेरा ये मानना है कि भारत का वो व्यक्तित्व अगर जो व्यक्ति के खाने से लेकर के शुरुआत होती है और पखाने तक का ध्यान अपनी जनता को रखता हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पुनः बनाना चाहिए, और उसी के उस पर हम काम कर रहे हैं। हम लोग आम जनता इस बार फिर प्रधानमंत्री उनको बनाएगी। आप ये बताएं कि कश्मीर जैसे मुद्दे को ये हम भी मानते थे और ये कहा जाता था कि खून की नदियां बहेंगी, एक चिड़िया तक नहीं मरी, तो ये ऐसे कैसे कड़े फैसले लेने की क्षमता हर व्यक्तित्व के पास नहीं होती है। अयोध्या जैसे मुद्दा बड़े ही सावधानी से, भाईचारे से, हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई सारे मिल करके और इतनी भाईचारे से मामला सुलट गया, एक भी चिड़िया नहीं मरी। तो ऐसे 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 फैसले लेने की क्षमता जिसको है उसको हम लोग पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। देखिए जो है कड़े मुद्दे की जो आपने बात किया, फैसला लेने की जो ताकत के बारे में आपने बताया सरकार के अंदर, तो यही एक मुद्दा नहीं रह गया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है बेरोजगारी का, उस पर कड़े मुद्दे के फैसले लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो पर्चा लीक हो रहा उस मामले पर जो है कड़ाई से काम आना चाहिए था। जो माँ बाप जो है अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनके दिलों से पूछिए, वो एग्ज़ाम देते हैं पर्चा लीक हो जाता है, उस बात पर करिए। किसानों का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान परेशान है, उस पर वो मुद्दा, उस पर कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। मैं गोरखपुर के बारे में बात करूँगा, ये वीर बहादुर सिंह की धरती है, यहाँ पर रेल कारखाना हुआ करता था, फर्टिलाइजर चलता था और फर्टिलाइज़र में स्थानीय लोग कार्य करते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं रह गई है, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, बेहाल हैं। यहाँ फर्टिलाइजर तो सुना कि फिर से चलने लगा है, फर्टिलाइजर चल रहा है लेकिन कहने के लिए चलता है, यहाँ का कोई भी गोरखपुर का या अगल बगल के इसके लोग उस फर्टिलाइजर के अंदर कार्य करते हो तो बताइए, सब बाहरी लोग व्यक्ति उसमें आए हैं, यहाँ के लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ का रोजगार मिला है, झाड़ू लगाओ और उसके बाद वहाँ अगल बगल ठेला लगा करके चाय की दुकान खोल लो, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा हमारी बहनें भी ध्यान दें, 2014 के पहले बल्कि 17 के पहले गांव की सड़कों पे जब आप रात को जाया करते थे तो हमारी बहनें, मैं विभत्स चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप भी जाते थे मैं भी जाता था, हमारी बहनें शौच करने के लिए मजबूर होती थी गांव किनारे सड़कों पे, हम लोग तो लाइट ऑफ कर लिया करते थे और बहनों को साथ से आँख से आंसू आता है सुन करके, सात से आठ भरों महिलाएं उठती बैठती थी वहां पे एक बार शौच करने में। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था हर घर को जो शौचालय दे दे वही सच्चा उत्तराधिकारी हो सकता है, प्रधानमंत्री या और मुख्यमंत्री बन सकता है। राम मनोहर लोहिया के जो चहेते को मानने वाले लोग थे, जो पूंजीवाद समाजवाद से पूंजीवाद में चले गए, कांग्रेस में बात ही नहीं करता और खत्म है उत्तर प्रदेश से, आज छोटा भाई बन के घूम रही है कांग्रेस के। आज प्लीज हम आपको बोलने दिया था, तो आज महिलाएं आप देखिए सड़कों पर जाने के लिए मजबूर नहीं है, हर घर में शौचालय मिल गया है, उनके इज्जत के साथ उनके प्रतिष्ठा के लिए हर व्यक्ति ने खड़ा किया है।
ये केवल मोदी जी तब संभव हो पाया है जब आम जनता, मैं आप लोग बोल नहीं बोला था आम, नहीं तो मैं बोलूंगा तो बोल नहीं पाओगे आम जनता। हाँ हाँ मैं भी हल्ला चला जाऊंगा यहाँ से, हम लोग शांत बैठे थे यहाँ बोल पाते, अपने बारे बोल लेते हैं दूसरे को मुद्दे पे बात नहीं करने देते हैं, इन लोगों की ये यही आदत है, बोल ही नहीं पाओगे तो आप महिलाओं के क्या इसको डिनाई करेंगी, इसको डिनाई करेंगी कोई करेगा? मैं बात तो सामान्य जनता महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया आज सारे महिलाएं, अभी तक भाई साहब एक गोरखपुर में आपका बगल में हॉस्पिटल है सदर हॉस्पिटल, एक रुपया जमा कराइए और प्रसव ऑपरेशन करा के आइए, उससे अच्छा अगर कोई प्राइवेट अस्पताल यहाँ करता हो कोई सिद्ध कर दे मैं राजनी छोड़ दूंगा, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जाके बगल में देख लीजिए। अभी बात कर रहे हैं माननीय मुलायम सिंह धरती पुत्र थे, जमीनी नेता थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत कुछ थे, वीर बहादुर जी बहुत बड़े थे, मैं वीर बहादुर का तो परिवार अब हमारे पास ही है, बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन मेरे भाई 2017 के पहले वही जो शुरू में कांग्रेस के समय में खुले थे मेडिकल कॉलेज, वही उत्तर प्रदेश में थे, किसी को दर्द नहीं हुआ कि हर जिले को मेडिकल कॉलेज दिया जाए, उसी धरती पुत्र को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब वो मुख्यमंत्री हुए तो पहले व्यक्ति थे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीता काटते हैं जहाँ लाखों में एडमिशन होता था। तो राम मनोहर लोहिया के सच्चे उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, शौचालय बनाए। देखिए एक मिनट, राजनीति हमेशा मुद्दों के आधार पे होने चाहिए, ना कि धर्म के आधार पे। आप देखिए कि बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पे है, जो 25 साल के जो बच्चे हैं, 20 से 25 साल 30 साल के जो बच्चे हैं, वो देखिए चौमिन का ठेला लगा रहे हैं, बर्गर का ठेला लगा रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं। उनका क्या है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान नव जिहाद घर वापसी, यही इनके मुद्दे हैं। सर पूरे देश में सत्ता बनाम जनता का चुनाव हो रहा है, सत्ता के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। सर पूरे देश में इंडिया गठबंधन के परिवर्तन की लहर चल रही है, एक आंधी चल रही है। देखिए इस सत्ता में ना रोजगार है, न किसान की आय दुगनी हुई, DAP की आय 6 गुनी हो गई। 22 साल में आप युवाओं को रिटायर करेंगे और 73 साल की उम्र में तीसरा मौका आप मांग रहे हैं, बताइए रोजगार कहाँ है? भाई साहब विकास की गति को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ इन लोगों को एक ही चीज दिख रहा है, पहले देश कहाँ था, आज 10 सालों में देश कहाँ पहुँचा है ये नहीं दिखाई देगा, पहले क्या भाव था, आज के डेट में नहीं देख रहे हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं, बस खाली एक ही चीज इन लोगों को दिखाई दे रहा है। सड़कों पे घूमना मुश्किल था 8 बजे रात को, आपके साथ कभी घटना घट जाए कहते थे तो घट गया हो गया, आज के डेट में वो नहीं हो सकता है, इसलिए वो खल रहा है। अब जो पैसा आता है डायरेक्ट खाते में आ रहा है, वो कमीशन नहीं मिल रहा है, वो दलाली नहीं मिल रहा है, वही तो कहते थे इसलिए अब वो दलाली मिल नहीं पा रही है, वो काम हो नहीं पा रहा है, तो अब क्या मुद्दा बनाया जाए, नया मुद्दा लाया जाए, नए मुद्दे को ढूंढने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, जितनी भी योजनाएं आई हैं सब इसी काल के योजनाएं हैं। महिलाओं गोरखपुर में एम्स के लिए सपा सरकार जमीन नहीं देती थी, सरकार की जमीन सरकार को नहीं देती थी, हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री जी मोदी जी के देन है, आज गोरखपुर में एम्स बना है, समाजवादी पार्टी सपा की सरकार थी, बोलते अखिलेश यादव बोलते थे मैं जमीन नहीं दूंगा, सरकार का जमीन मैं सरकार को नहीं दूंगा, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि गोरखपुर में विकास नहीं चाहता थे, गोरखपुर विकास नहीं चाहते थे, सपा की सरकार में बस्तीपुर व्यापारी के ऊपर गोली चलता था, पैसा छीनते थे लोग, आज एक व्यापारी को कहते कि हमारा पैसा छिनाया है, किस तरह से आवाज को ये दबाने का प्रयास करते हैं, यही गोरखपुर जल रहा था और इनका मुखिया कान में तेल डाल के सिपाही का डांस देखता था। अभी भैया कहें कि बाल विहार से ठेला हट जाता था, मैं 98 से बाल विहार पे कंटिन्यू आता हूँ, जीवन के 43 साल में से 28 साल बाल विहार पे बिता दिए हैं। मैं 2004 में यहाँ एक कप चाय पीना रहता था तो हम लोग रिची रिच के बगल में जाते थे, आज 60 ठेले चाय के लगते हैं, ठेले अगर हटवाए गए होते तो ये लगते कहाँ से, और यही बाल विहार है, दिन में 4 बजे आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, सबके जनरेटर की आवाज कान फाड़ देती थी, आज वो जनरेटर कहाँ गए, क्योंकि उनको बिजली मिल रही है, लोग शाम से धंधा 8 बजे बाद दुकानें बंद हो जाती थी, आज 11 बजे रात को 1 बजे रात को यहाँ दुकानें खुलती है। रोजगार का मतलब क्या है, सिर्फ एक महीने के निश्चित तारीख को सरकारी तनख्वाह आना,
अभी वो कह रही थी पकौड़ा बेचना हम जैसे नौजवानों के ऊपर वो कालिख लगा रही है। मैं पकौड़ा बेचता हूँ, गर्व से कहता हूँ पकौड़ा बेचता हूँ, और 36 लोगों को रोजगार दिया हूँ, 12 लाख टैक्स भरता हूँ ईमानदारी से। हमें एक हमारे ही देश को भारत भारत माता का दर्जा दिया गया है, और ये पार्षदी का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, इसलिए ये संतों की भूमि है, इसलिए ये मंदिर के का सीट है, इसलिए किशन जी को चुनाव जिताना अति आवश्यक है, क्योंकि ये संतों की भूमि है, लंठों की भूमि नहीं है। कांग्रेस की पार्टी है, ये सत्ता में 10 साल से बौखलाई हुई है, इनके पास ताकत नहीं है, अंधभक्त है, धृतराष्ट्र हैं लोग, और जो कुछ लोग जो आंख वाले वहाँ पट्टी बांध लिए हैं, ये लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो एक नाकामयाब पुत्र है उसको गद्दी दिलाने के पूरे आंख बंद कर लिए हैं ये लोग, इनका कोई मुद्दा नहीं है। कि ये गोरखपुर की धरती है और गोरखपुर का इतिहास सबको पता है, ये व्यापारी क्षेत्र है, कैसे व्यापारियों से रंगदारी ली जाती थी। अभी शाम होते ही कोई न कोई समाजवादी गुंडा झोला लेकर के बाजारों में निकलता था और सबसे रंगदारी वसूलते थे, उस रंगदारी के राज को समाप्त किया गया। डेवलपमेंट की बात होती है, गोरखपुर में कमल का बटन लोगों ने दबाया तो जानते क्या हुआ, गोरखपुर के अंदर एम्स आया। गोरखपुर के लोगों ने कमल बटाया दबाया तो जानते क्या हुआ, गोरखपुर में इसी मेडिकल कॉलेज में नैनिहाल बच्चे मर जाया करते थे चिकनगुनिया की बीमारी के कारण, लेकिन ये मुलायम सिंह यादव की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार सुनती रही थी, लेकिन उस चिकनगुनिया के संपूर्ण इलाज की व्यवस्था कराई गई, सदर अस्पताल की दशा को ठीक किया गया, और आपका सदियों से बंद पड़ा, दशकों से बंद पड़ा फर्टिलाइजर 5-5 प्रधानमंत्रियों ने वायदा किया था शुरू कराएंगे, शुरू होता है तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनती और यहाँ भी बनती। सड़कों की दशा देखिए, पूरे गोरखपुर महानगर के अंदर डिवाइडर युक्त 4 लेन सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है। आप मेडिकल रोड पर रात के समय निकल जाइए, लगेगा आप स्विट्जरलैंड में घूमने चले आए, आप गोलघर में चले जाइए लगेगा किसी दूसरे देश में आ गए हैं, आप गोरखनाथ रोड पर चले जाइए लगेगा किसी दूसरे देश में आप पर्यटन के लिए आए हैं। इस स्थिति को बदला है भारतीय जनता पार्टी ने, इन लोग को ये सब नहीं दिखेगा, ये कहा जाता है ना। देखिए हमारे जो विपक्षी पार्टी जिनके बच्चे बेरोजगार हैं उनको मेरी सलाह है, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, 25 लाख रुपया MSME के थ्रू बिना किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को 25 लाख रुपया लोन मिल रहा है। बेरोजगारी कैसे समाप्त की जाती है इसकी सलाह दे रहा हूँ। मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जा रहा है, खोंचे वाले को लोन दिया जा रहा है फ्री ऑफ कास्ट, अब कहीं कोई सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, कोई मैनेजर आज की डेट में घूस नहीं मांग रहा है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अरे आप आप लोन लेकर के, आप हमारी बात सुनिए सर, लोन लेकर के आप लोगों को रोजगार दीजिए। अगर 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 आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो आप लोन लेकर के लोगों को रोजगार दीजिए, ये सबसे है। मोदी जी की इतनी अच्छी योजना है, जो विकसित भारत जो कहते हैं ना, वास्तव में विकसित भारत है। देख लीजिए आज यहाँ विकास यह है, यह गोरखपुर की जन्नत है। अभी एक बारिश हो जाए तो इंद्रावाल बिहार पे रोड सड़क पे जो है बारिश पूरा जो है नाव चलने की कंडीशन हो जाती है। भाई हमारे जान रहे हैं लेकिन बोलते नहीं, इनको पता है। आप देखिए नौजवान जो है पेपर, एक मिनट बात पूरी करने दीजिए, आप बोले तो मैं बोला हूँ तो बात पूरी करने दीजिए। जब नौजवान पेपर देने के लिए जाता है परीक्षा, अपने घर से पैसा दे के आता है, वो पैसा जो है ये लोग ले लेते हैं, जमा करा लेते हैं, उसके बाद पेपर लीक करा देते हैं। आज कंडीशन यह है रोजगार के लिए रोड पे नौजवान भड़क रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग सलाह दे रहे हैं कि पकौड़ा ऐसे तोड़ने के लिए दुकान खोलिए, यहाँ से लोन लीजिए। जब इनके बच्चे जवान होंगे और तब अपने बच्चे को ये नई सलाह देंगे कि जाओ पकौड़ा की दुकान खोलो। आज हम नौजवानों का ये मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। ये लोग अभी बात कर रहे थे, दो मुद्दा मेन था इन लोगों के बात में, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था, वो बेरोजगारी और महिला सुरक्षा। आपको मैं बेरोजगारी के बारे में बता दूं कि स्टार्टअप का नाम यहाँ खड़ा कोई भी व्यक्ति 2017 से पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आज स्टार्टअप के तहत 90,000 कंपनियां का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 108 कंपनियां स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनी है। यूनिकॉर्न का मतलब कि वो 1 मिलियन से ज्यादा की कंपनी, जो रोजगार देने योग्य नहीं था, जो रोजगार पाने योग्य नहीं था, आज वो रोजगार दे रहा है। और महिला सुरक्षा पे बता दूं कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे, बताते थे गलती होगा, पूर्व में मुख्यमंत्री थे मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, सुरक्षा की बात ये लोग करेंगे,
आज के समय में भय भूख भ्रष्टाचार वाली सरकार खत्म हो चुकी है। आज जो सरकार है सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास के लिए। देखिए, ये कंपनियों के माध्यम से रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं वह हमारे नौजवान भाइयों का शोषण करने का काम कर रही है। 5-5 महीने तक अभी जो है हमारे यहाँ गोरापुर मेडिकल कॉलेज में अरे यार आप बात करने दीजिए, पहले बात पूरी करने दीजिए। मेडिकल कॉलेज में हमारी नर्स बहने जो है 6-6 महीने से वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। हम महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी वहाँ गई, उस आंदोलन को बढ़ाया, तब जाके उन लोगों का वेतन मिला। और ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से सिर्फ शोषण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में कभी सुअर और भारतीय करते थे, आज मरीज वहाँ लेते। समाजवादी पार्टी के समय और कांग्रेस पार्टी के समय में इसी मेडिकल कॉलेज में जो गार्जियन जाते थे अभिभावक पेशेंट के साथ, उनको मारने का काम और मरवाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते थे और कांग्रेस के लोग करते थे। और दूसरी बात, आज गोरखपुर में चौमुखी विकास हुआ, ये इनको नहीं दिखाई दे रहा है। बता, और देखिएगा फिर 4 तारीख को 400 पार ही होगा। 400 पार, अरे दाना तो आप लोग देखेंगे। देखिएगा समाजवादी और कांग्रेस, देखिए मुझे बोलने का अवसर दीजिए। नहीं, आप क्या निकल गए, आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हर घर के आदमी चाहता है कि उनका लड़का IIT IIM में पढ़े, IIT IIM में पढ़ना चाहता है। IIT IIM में पढ़ने का मतलब यह है कि उसका गारंटी है कि उसको रोजगार मिलना ही मिलना है। लेकिन 2023 का जो आंकड़ा बताता है, ठीक है, ये मैं अपने हवाले से नहीं, ये जो न्यूज एजेंसी बता रही है, News24 etc., उनके हवाले से कि 2023 में 38% IIT के लड़कों को प्लेसमेंट नहीं हो पाया है। आप रोजगार की बात करते हैं, जब IIT के बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या गारंटी है कि आम आदमी जो पढ़ के BA BCOM BA करके गिंदला हुआ है उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? 2018 से 2024 आ गया, एक भी क्या टीचर की वैकेंसी अभी नहीं आई है। वही 5 लाख वैकेंसी तेजस्वी यादव ने बिहार में देने का काम किया है, और ये लोग रोजगार की बात करते हैं, ये लोग का रोजगार देने का जय श्री राम का नारा लगा के बस इन लोग को रोजगार की बात करना है। एक्सक्यूज मी सर, मैं जगदीप मर्चेंट गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। मैं मोदी के खिलाफ 2012 में इलेक्शन लड़ चुका हूँ, अमित शाह के खिलाफ 2 इलेक्शन और भाजपा के खिलाफ लोकसभा में लड़ चुका हूँ। मेरा अभियान है कि गरीबों को सशक्त कैसे करें। मेरे प्रोजेक्ट मैंने 17 में थावरचंद गहलोत को दिया था, जो मोदी जी के पास पहुंचा, उसके बाद में आयुष्मान भारत बना। मेरी बात यह है कि गरीबों को कॉरपोरेट में हिस्सा चाहिए, कॉरपोरेट में इक्विटी में, ताकि उनको 6 लाख का इक्विटी फंड मिल सके और उससे 5,000 आवक बन सकते। भारत का जो गरीब समाज है 20 लोग से जुड़ा हुआ है, तो 5-20 लोग के साथ 6-6 लाख है तो 1,20,00,000 की प्रॉपर्टी में वो खुद अपना बिजनेस करे। आज मोदी जी कहते हैं जाओ, हम कौन जाएगा बैंक में धक्का खाने? तो उनको जो है 6 लाख की प्रॉपर्टी देनी क्यों देनी चाहिए? क्योंकि जो गरीब समाज का पैसे से, टैक्स के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेट यूज करती है। 75 साल से जो करप्शन हुआ, वो करप्शन का पैसा किसने दिया? कॉर्पोरेट दिया, उसके सामने उन्होंने भारत की देश के अंदर कमाया, तो उस भारत की देश की संपत्ति में गरीबों का हक नहीं है। तो उनको उनका ये 6 लाख का फंड इक्विटी में मिलना चाहिए, और वो सशक्तिकरण होगा तो ही देश के अंदर बेरोजगारी खत्म होगी और महंगाई के सामने उनको अतिरिक्त आलम मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम हर चुनावों में ये कहते आई है कि मैं महिला सुरक्षा की बात करूंगा, किसानों की बात करूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा, कितने पेपर ये करवा दिए, सारे पेपर ये लीक हो गए, फिर कहते हैं कि महंगाई कम करा देंगे। कौन से इन्होंने महंगाई कम करा दी? कहते हैं किसानों की बात करेंगे, इन्होंने किसानों के रास्ते में कौन कीले बिछवाया था हमको ये बता दें। युवाओं की बात करते हैं, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से LLB पढ़ता हूँ, मैं भी लाख का विद्यार्थी हूँ, कई सालों से छात्र संघ का चुनाव बंद है। अगर किसी को ब्राह्मण का सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर किसी गरीबों का सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर किसी ST ST OBC समाज को अगर सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अरे, इन लोग के पास प्रत्याशी ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, ये लोग क्या बात करेंगे? विधानसभा लड़ रहे हैं, मेयर लड़ रहे हैं, फिर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रधानी पे ना उनको उतार दिया जाए। रोजगार की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी जो रोजगार की बात करती है, सिर्फ 2 जिलों में मैं भुक्तभोगी हूँ। 2012-2014 की वैकेंसी आई थी JEE की, UPPCL की, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। सिर्फ 2 जिलों की वैकेंसी आई थी, सिर्फ 2 जिलों के, सैफई, अमेठी, रायबरेली, इन सभी जिलों के सारे युवाओं को भर्ती कर लिया गया। और मुझे खुद वहाँ के कर्मचारी ने कहा कि जाइए यहाँ से, आप पूरा लिस्ट आ चुका है, जितनी भी वैकेंसी भर्ती होनी थी आप चले जाइए। बताइए ये युवा कहाँ जाएगा, ये युवा क्या करेगा? आज इतनी ढेर सारी कंपनियां जो यहाँ पे लग रही हैं उसमें मेरा भी काम चल रहा है, मेरा भी उसमें काम चल रहा है।
जो मैंने पढ़ा लिखा उसके हिसाब से मुझे नौकरी मिली है, मैं काम कर रहा हूँ। ये अभी तक इन लोगों ने बहुत सारी बातें की है। मैं गोरखपुर की सबसे बड़ी जो बीमारी थी इंसेफ्लाइटिस, मैं 7 साल ICMR जो NIB थी पहले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उस संस्था में मैंने काम किया। वो संस्था गोरखपुर में महाराज जी के प्रयास से सन 2008 में आई थी, यहाँ पे जितनी बीमारियाँ थी इंसेफ्लाइटिस को उसको मुक्त करने के लिए। अखिलेश जी की सरकार बनी थी, हमारे विभाग ICMR के डायरेक्टर ने अखिलेश जी को कई बार आवेदन दिया था कि हमें मेडिकल कॉलेज में जगह दीजिए, हम स्थापित करके यहाँ पे पूर्ण स्वरूप पर बने, लेकिन उनकी सरकार ने कभी जमीन नहीं दिया। महाराज जी 2017 में जब मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उस काम को करने का काम किया। देखिए, देश में मोदी और प्रदेश में योगी जी सबसे है उपयोगी। आज लोग बेरोजगारी की बात करें, जितने बेरोजगारी की बात कर रहे हैं सबके मोबाइल में देखिए 50,000 60,000 70,000 का मोबाइल है। 2010 के पहले तो किसी के पास नहीं था, पहले छप्पर के मकान थे, आज सबके यहाँ जो है कंक्रीट के लिंटर लग रहे हैं और लोग कहते हैं बेरोजगारी की बात है। ये गोरखपुर की धरती है, जब यहाँ अध्यात्म की बात होती है तो गुरु गोरखनाथ आते हैं, बात परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारत की होती है तो निश्चित रूप से चौरी चौरा जैसे कांड सामने आते हैं, और जब बात आज़ादी की होती है तो तापमान कितना भी चढ़ा हो राजनीतिक तापमान इसी तरीके से होता है, और यही तापमान कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत करेगा और लोग अपने हिसाब से निर्णय लेकर के एक नई और मजबूत सरकार बनाएंगे। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD News, गोरखपुर।